तुम्हें इस बारे में कुछ करना होगा। सिर्फ मना कर देने से कुछ नहीं होगा गंगा, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। अगर वो लोग जिद पर आ गए तो उनके सामने तुम टिक नहीं पाओगी, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ गंगा, राइट? तुम क्या करें जोया दीदी, जो कहना था हमने कह दिया। वो मेरे पास एक आइडिया है गंगा, तुम तीनों बनारस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये क्या कह रही हो तुम जोया दीदी, सब कुछ छोड़कर ऐसे कैसे बनारस छोड़ के चले जाए हम? हमारा काम है, कशिश की नौकरी है, कृष्णा का स्कूल है और ये घर, ये घर मैं तुमसे कहने ही वाली थी। तुम ये घर बेच दो गंगा, और घर बेचने के बाद जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो काफी होंगे कहीं दूर जाकर सेटल होने के लिए। तुम दोनों को तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, और रही बात कृष्णा की, उसे भी कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा जोया दीदी, हम कैसे रिएक्ट करें? ये शहर छोड़ना, हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं, और हम लोगों ने ये घर कितनी मुश्किल से खरीदा था, क्योंकि इसमें राहत माँ की यादें बसी हुई हैं। इस घर को छोड़ने के ख्याल से ही हमारा दिल कांप जाता है। मैं जानती हूँ गंगा, इस घर को बेचना और ये शहर छोड़कर किसी नए शहर में सेटल होना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम तो उस घर में वापस जाना नहीं चाहती ना गंगा। और क्यों जाना चाहोगी, जब सागर के लिए तुम्हारे दिल में कोई प्यार ही नहीं बचा है, तो फिर तुम वहां वापस क्यों जाना चाहोगी, है ना? और कृष्णा को भी उसकी जरूरत नहीं है, तुम हो ना। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे दूर हो जाए, तुम्हें फैसला लेना होगा गंगा। अगर ये लोग कृष्णा को लेकर चले गए तो तुम्हारा क्या होगा, हमें तो किसके सहारे जियोगी? बुरा मत मानना, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने तुमसे कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ही फैसला लेना है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना, जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले, तेरे लिए भी है, आज मैं दे, 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 देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू, अरे शाम। यस सर। तो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है।
देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।